संबंधी विशेष कार्यक्रम। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। स्वास्थ्य संबंधी विशेष कार्यक्रम। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टे फिट। नमस्कार एंड हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टे फिट स्टे हैप्पी विद सैयद सलमान एंड कविता, देखिए सुबह 7:30 बजे। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं स्टे फिट स्टे हैप्पी विद सलमान एंड कविता। कविता जी आज हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ और मेहमान भी हमारे साथ होंगे आज। ये सिलसिला जब हमने शुरू किया था इस स्टे फिट स्टे हैप्पी इस कार्यक्रम को, तब हमने सोचा भी था कि कुछ ऐसे लोगों को भी हम आपके साथ आएंगे जो टिप्स लेने के लिए हम उन्हें आमंत्रित करेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में। कार्यक्रम में ऐसे लोग भी आए, हमने आपको कुछ वार्म अप सिखाए, हमने आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बताई, हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताई जो थोड़ी सी आपके लिए हार्ड एक्सरसाइज हो सकती है लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कविता जी जुड़ गई, कविता जी ट्रेनिंग दे रही हैं। कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फिटनेस ट्रेनर कविता नलवा जी, कविता जी हमारे साथ, और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस कार्यक्रम को देखकर अपना फीडबैक दिया था उसका हक भी बनता है उस व्यक्ति का हमारे साथ शो में आने का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु भाई, हिमांशु उपाध्याय जी। ये सबसे पहले इन्होंने कार्यक्रम पर हमारे ऑफिस
हमारे मित्रों और बाहर की दुनिया से जिस व्यक्ति का सबसे पहला रिस्पॉन्स आया था वो हिमांशु जी थे। हिमांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं काजल जी, हैं फार्मेसी की स्टूडेंट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने दो लोगों को आज चुना है हमारे साथ एक सेशन कविता जी के जरिए हम आपको कुछ टिप्स देंगे। आपने कार्यक्रम देखे, पहले तो आपको ये इतने सारे कार्यक्रम आपने हमें और कविता जी को देखा, आपको कुछ हम अपनी बेहतरी की बात करें उससे पहले हम कमियां पूछ लें, कुछ कमी रह गई है जो हम दर्शकों को दे सकते हैं? कमियां मुझे तो ऐसे नहीं लग रही है, इनफैक्ट काफ़ी फिटनेस के कार्यक्रम मैंने देखे हैं आज तक। और आपको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने सारे मैंने कार्यक्रम देखे लेकिन जो नेचुरल फ्लो से जाते हैं जी, जिसमें हम, मैं तो ऐसे पहले दिन से जुड़ गया, कोइंसिडेंटली मैं चैनल सर्फ करते रहता हूँ हमेशा, लेकिन जब लेमन न्यूज़ चैनल पे मैं आके ये कार्यक्रम देख रहा था और ऐसे मैं जुड़ गया हूँ कि जैसे कंटिन्यूसली अपने आप में मैंने एक एनर्जी को महसूस किया। देखिए आपने महसूस किया और हम नेचुरली हम आपको अपने साथ ले आए, तो और, ये और मेरा भी सौभाग्य है कि आज ये सुबह सुबह आप जिस तरीके से एक्सरसाइज में मुझे भी जोड़ा, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि साथ साथ में मैं जुड़ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसके बारे में जो अलर्ट हैं लोग उनको अच्छा लगेगा जी। ये तो बात थी हिमांशु जी की। कविता जी आप कुछ, काजल जी आप एक्सरसाइज वगैरह करती है? नहीं, लाइक मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता, इसी का जवाब आपको कविता दी जाएगी। कविता जी टाइम नहीं मिलता ये बड़ा, देखिए हमने जब शुरू किया था राइट, तो हमने पहले इसी पर जोर दिया था कि टाइम नहीं मिलता ये सबसे पहला होता है, और आज का जो ये बात करेक्ट दोहराई है। वेल टाइम नहीं मिलता उसके लिए हमने हर बार कहा है और हम ये हमेशा कहते हैं कि टाइम किसी के पास भी नहीं होता, टाइम को निकालना पड़ता है जी। करेक्ट, हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी समझे और टाइम को निकाले, और हर बार हम लोग अपनी हेल्थ को बैक सीट में रखते हैं और दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं। और जैसे अभी जैसे ये जो यंगस्टर्स होते हैं वो अपने कॉलेज अपने शेड्यूल में इतना बिजी होते हैं कि हर चीज़ पहले और हेल्थ बाद में, तो पेरेंट्स बेचारे बहुत टेंस हो जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, अपनी स्टडीज भी करिए, अपना लाइफ को भी इंजॉय करें, लेकिन साथ साथ भी अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, जो कि आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। इनफैक्ट वंस यू रीच 35 अबव तो एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आजकल तो यंगस्टर्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसके लिए प्लीज़ डोंट टेक रिस्क विथ योर लाइफ। अपना जहाँ भी आपको जैसे भी हो आप समय निकालें और वर्कआउट जरूर करें, दैट्स द बेस्ट वे टू कीप योर सेल्फ। समय निकाल आप मित्रों के साथ गपशप करने के लिए, आप एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के लिए, आप फिल्में देखने के लिए, आप चैटिंग करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, गर्ज ये कि हर उस चीज़ के लिए वक्त निकाल लेते हैं जो गैर ज़रूरी है बहुत सी। आप इसके बाद अब एक दुनिया ये भी है, आप वॉक के लिए निकलते हैं, आप जिम के लिए जाते हैं, आप स्विमिंग के लिए जाते हैं, आप एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म के लिए जाते हैं, एक दुनिया ये भी है। इस दुनिया में आकर तो देखिए, सही है, कुछ अलग मज़ा है, और इस मज़े को हम आपको इस बुद्धू बक्से में हम टीवी पे ले आए हैं आपके लिए, जिसे कहा जाता था बुद्धू बक्सा, लेकिन ये बुद्धू बक्सा रहा नहीं, अब तो ये ज्ञान का खजाना हो गया है, और इसी के बहाने हम आप तक ले आए हैं स्टे फिट स्टे हैप्पी विद सलमान एंड कविता। कविता जी बहुत सारे टिप्स दे रही हैं, उन टिप्स को आप किस तरह से ले रहे हैं ये आप पर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम बहुत जल्द आपको अपनी मेल आईडी भी देंगे, अपने नंबर्स भी देंगे, जिससे आप हमारे साथ संपर्क में रह सकते हैं। आज के लिए हमारे ये दो मेहमान हिमांशु उपाध्याय जी और काजल जी हमारे साथ हैं, इन्हें टिप्स क्या चाहिए शुरुआती, और कविता जी से कुछ पूछ भी सकते हैं आप लोग सीधे सीधे, और कविता जी कुछ टिप्स आपको बेसिक टिप्स देंगी जो आप शुरुआत कर सकते हैं। कविता जी ऐसा हुआ है कि बचपन से ये, जैसे आज मैं ये लॉन में खड़ा हूँ, तो बचपन से ऐसी बातें हुई कि एक्सरसाइज के लिए मित्रों के साथ जुड़ गए, उसके बाद फिर एक फेस आता है फिर रुक जाते हैं, फिर कुछ फेस आता है जुड़ जाते हैं, फिर फेस आता है रुक जाते हैं, आज फिर से सलमान जी और आपकी वजह से कविता जी ये यहाँ पर मैं आया मॉर्निंग को, और ये दौर चलता रहे उसके लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये अक्सर लोगों के साथ में इनफैक्ट ये होता है कि हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि अब वो ब्रेक हो जाता है, फिर हम एक मन बनाते हैं अपने सलमान जी पूरी तरीके से कि अब तो हमेशा करना है एक्सरसाइज, लेकिन फिर नहीं हो पाता, तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने कहा था कि इसको आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। अभी बहुत अच्छी बात हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि जब लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कोई साथ में हो हमारे तो हम एक्सरसाइज करें कोई, लेकिन इस आपको इस पर डिपेंड नहीं रहना है,
कुछ लोग यंगस्टर्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम म्यूजिक लगा लें तो एक्सरसाइज करें, बिना म्यूजिक एक्सरसाइज ना करें, तो किसी कंपनी को मत ढूंढें, क्योंकि जब आपकी हेल्थ पर असर आएगा तो कोई आपका सहयोगी या आपका कोई दोस्त आपको साथ देने नहीं आएगा उस वक्त, वो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आपकी हेल्थ का आपको ही ध्यान रखना है। तो आपके साथ में कोई पार्टनर हो या ना हो एक्सरसाइज करने के लिए, आपके साथ में आपके फ्रेंड्स हो या कंपनी हो या ना हो, आपको ये मान के चलना है कि आपको खुद अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आप खुद अपनी हेल्थ के डॉक्टर हैं सबसे पहले, तो ये भूल जाइए कि आपके साथ में कौन एक्सरसाइज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये आप किस जगह पर है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि ये इंसान कैसे अपने आप अकेले एक्सरसाइज कर रहा है। हम लोग यहाँ कर रहे हैं कविता जी, तो हम देख पा रहे हैं कि सामने की बिल्डिंग से भी हमें देखा जा रहा है और लोग लाइव दर्शन भी हमारे साथ कर रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम को। तो अब इस शर्म में हम रहे कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो लोग देखेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें ये फीलिंग आए कि ये देखिए क्या कर रहे हैं, हमें उन्हें ये फीलिंग देनी है अरे क्या कर रहे हैं, क्या क्या तो वो उतर के आए। बिल्कुल, हम उनकी शर्म से एक्सरसाइज बंद न करें, बल्कि हमारी एक्सरसाइज हमारी एक डेडिकेशन को देखकर, हमारे समर्पण को देखकर वो हमारे साथ शामिल हो। सलमान जी, ऐसा भी होता है जी कि जैसे अभी मैंने आज मैं फिर से समझो मेरा रिवाइवल हुआ आज, जी जी कितने समय के बाद मैं फिर करूंगा, तो मुझे थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है, सपोजिंग मैंने ये ठीक नहीं किया ये ठीक किया, तो ये भी एक मानसिकता होती है हम लोगों में, तो किसी में कम या किसी में ज़्यादा, किसी में नहीं होती, तो उस वो भी एक वजह है कि जिसकी वजह से लोग एक्सरसाइज से जुड़ने से थोड़ा सा झिझकते, लेकिन जितनी देर झिझकेंगे उतनी देर होती जाएगी, उतनी देर आपका हेल्थ पर असर पड़ते जाएगा जी। और सबूत देखना है ये है छोड़ कभी ठीक से नहीं कर पाए तो इस तरह से शरीर के जो बेहतर अंग होने चाहिए थे वो अजीब अजीब ढंग पकड़ लेते हैं, तो ये हम अपने ज़रिए ही भी बताने की कोशिश करें कि गलतियां सभी से हो रही हैं, उन गलतियों को जब हम सुधार लें तभी से शुरू हो जाता है आपका दौर, आप उस दौर को शुरू कीजिए। स्टे फिट स्टे हैप्पी के इस कार्यक्रम को देखिए, इस कार्यक्रम के ज़रिए सीखिए, आपकी कुछ जिज्ञासाएँ होंगी, आपकी कुछ ख्वाहिशें होंगी, आप चाहते होंगे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हमने दो लोगों को जोड़ा है, चूँकि ये दोनों इस कार्यक्रम को देखते रहे और जुड़ने की ख्वाहिश रही है, और हमने जैसा कहा हिमांशु जी को पहली बार पहला फीडबैक हिमांशु जी का था, तो पहला हक हिमांशु जी का बनता था। हिमांशु जी, कविता जी, इन्हें क्या आज के लिए खास टिप्स क्या देंगे शुरुआत? मान लीजिए देखिए उनके पास टाइम नहीं है और हिमांशु जी करके छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कॉमन चीज़ ये है कि दोनों को करना है, दोनों को एक्सरसाइज करनी। तो हमने कहा कि जैसे जब आप रीस्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, तो बिल्कुल इस तरीके से शुरुआत करें जैसे कि हम अब पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ये कहा जाता है कि अगर आप 7 दिन भी एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो ये मत सोचिए कि आपने 7 दिन पहले एक्सरसाइज करी तो उसी जोश में हमें करना है, वो नहीं करना है। तो आप ये सोचिए कि आप यू आर अ बिगनर, तो एक्सरसाइज को बहुत स्लोली स्लोली स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। और हिमांशु जी, और जहाँ जहाँ पर आपको डाउट्स लगे वहाँ पर मैं भी करेक्शन करती जाऊँगी, और जहाँ पर आपको डाउट्स लगे आप मुझसे सवाल पूछते जाइएगा। सलमान जी, लेट्स स्टार्ट। जी चलिए, ये अब कैमरा आपके हवाले। हमारे साथ में दो लोग हिमांशु जी हैं, उनका एक अलग फिटनेस को देखने का नजरिया है। हमारे साथ काजल है जो कि कॉलेज गोइंग है, उनका एक अलग नजरिया है देखने का, फर्क हो जाता है। सलमान जी का अलग है, मेरा एक अलग है, हम सबका एक अलग अलग नजरिया है फिटनेस को देखने का, और सबका तरीका हम सबका अलग अलग है, लेकिन बेसिक चीज ये है कि एक्सरसाइज का जो एक फॉर्मूला होता है वो सबके लिए सेम है, चाहे बिगिनर हो चाहे आप बहुत अच्छे एक्सरसाइज करने वाले, फॉर्मूला हो जो होता है किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए वो एक सेम है। विल स्टार्ट विद द बेसिक नेक एक्सरसाइज, स्लोली, बहुत स्लो स्लो उसको, यस, और मुंह को खुला रखना है, यस। हाँ, कितनी बार करना है ये आप कर सकते हैं 3 to 4 times, ठीक है, एंड फ्रंट एंड बैक, स्लोली स्लोली एंड बैक, करेक्ट। काजल, शोल्डर्स नॉर्मल एकदम, करेक्ट, फाइन, साइड वेज थोड़ा साइड, मुंह खोल के, राइट। उसके बाद में हम शोल्डर रोटेशन करेंगे, शोल्डर रोटेशन में पूरा कंप्लीट रोटेशन देंगे इसमें, यस एग्जैक्टली, इसमें हर एक एक्सरसाइज में मुंह को हमें खुला रखना है, करेक्ट, एंड नॉर्मल हमें इसमें सांस लेते रहना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी इसमें, कंप्लीट रोटेशन, ये भी आप 6 to 7 times कर सकते हैं, करेक्ट, कंप्लीट रोटेशन एंड रिवर्स, यस,
Good, two. इसके बाद हम और नीचे की तरफ आते हैं और कमर को घुमाना है. Yes, round. हाँ. Round घुमाइए. Yes. Very good. ये आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर के इस इन अंगों पर जोर पड़ रहा है. तो यानी आपका वो हिस्सा, शरीर का हिस्सा वर्कआउट में शामिल हो चुका है. यानी आप उसके लिए काम करना शुरू कर दिया है आपकी एक्सरसाइज. इसका मतलब कि हमने अब हम अपने जो हेड टू टो हम अपने सारे जॉइंट्स को और मसल्स को हम एक्सरसाइज के लिए तैयार कर रहे हैं. अब आप जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको कहीं पर भी आपको ये टेंशन की जरूरत नहीं, कहीं पर हमारे जॉइंट में दर्द आ सकता है या मसल्स में दर्द आ सकता है. करेक्ट. अभी थोड़ा सा साइड बेंड 3 to 4 times. यस, करेक्ट, वेरी गुड. वेरी नाइस. अब मुंह खुला रखना है, सांस फ्रंट पेंड में हमें एकदम से आगे नहीं जाना है. देयर स्लो स्लो करके यस आगे गए. एंड देन पैर जो है थोड़ा शोल्डर विड्थ अपार्ट ही रहेंगे, ज्यादा एकदम इतना नहीं रखेंगे, थोड़ा सी यस. हां, देन स्लोली बेंड एंड देन देन अगेन बेंड एंड देन राइट. मुंह खोल के जब हम नीचे जाएंगे तो हमें सांस को छोड़ना है. राइट, सांस छोड़ना है एंड स्लोली स्लोली अप. One more time and up. अब सिर्फ 3 बार आगे झुके थोड़ा सा और थोड़ा सा पीछे की तरफ. Yes, very good. Okay. And 2 and 1 more time. सलमान जी अब हम रेडी हैं हमारी एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए. जी, जब हम आगे झुकते आपने बताया मुंह खुला रखना मैंने पहले बिल्कुल मुंह को एक्सरसाइज के मुंह को खुला रखना है तो सांस ले सकते हैं मुझसे. जब एक्सरसाइज करते नॉर्मल आपने देखा होगा कि जब स्प्रिंटर देखिए आप या रनर देखिए आप जो लॉन्ग मैराथन वगैरह भी दौड़ते उस वक्त वो नाक से सांस लें बिकॉज दैट्स उस वक्त पॉसिबल नहीं होता. स्पीड बढ़ जाती है आपकी सांस की, स्पीड बड़ी होगी तो आपको सांस फूलना और जब हम आगे झुक रहे हैं तो हमें ब्रीद आउट करना है. ब्रीद आउट करना, ऊपर आएंगे तो तब आप अगर आप ऐसी नॉर्मल जगह पर आराम से नाक से सांस ले सकते हैं. राइट, देन ब्रीद आउट एंड देन जी नाउ बिल स्टार्ट विद दिस स्टेपिंग. सर स्टेपिंग नॉर्मल स्टेपिंग सब. अच्छा, स्टेपिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने हाथों का भी प्रॉपरली इस्तेमाल करना है. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं सलमान जी, स्टार्ट हाथों का भी हमें प्रॉपरली फिट हो चुके हैं. ऐसा नहीं है, ज़रूरत इस बात की भी है कि हम देखें अपने दर्शकों को, हमारे माध्यम से दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये सेशंस को देखिए दोबारा हमने शुरू किया है. दोबारा मीन्स इसे हम करीब करीब रोज बताती हैं कविता जी, लेकिन उसके बताने के पीछे का मकसद आज 2 अतिथियों को साथ में शामिल करने का मकसद है. उनकी जिज्ञासाएं और उनकी कुछ ख्वाहिशें क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, ये भी बताना ज़रूरी था. और शायद इसीलिए हमारे साथ आज ये 2 लोग जुड़े हैं. कविता जी से बहुत सारी सवाल भी इनके मन में है. और कविता जी अलग अलग, जैसा कि बताया इन्होंने कि 2 अलग अलग, एक पुरुष है एक महिला है, एक थोड़ा सा प्राउड है एक थोड़ा सा अभी कॉलेज गोइंग टीनेज में है, तो दोनों की अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है, वो है एक्सरसाइज. वो स्टे फिट स्टे हैप्पी रहना दोनों के लिए ज़रूरी है. बिल्कुल, तो अभी हमने यहाँ ये स्टेपिंग से शुरुआत करी. तो इसे आप चाहें तो स्टार्टिंग हम जॉगिंग से भी कर सकते हैं, स्लो जॉगिंग, वेरी स्लो. अब देखिए मैं बहुत, कोई भी एक्सरसाइज हम हमेशा कहते हैं सलमान जी कि बहुत प्यार से करते हैं हम एक्सरसाइज, बहुत कंफर्टेबली करते हैं, तो बहुत आराम आराम से एक जगह पर ही हमें जॉग करना है. राइट, अगर हम शुरुआत कर रहे हैं ये इस पे पंजा पहले लगेगा, पंजे पे. राइट, हाँ, ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पे, एक बार फिर मैं बताना चाहूँगी, जब हम ये स्टेपिंग करते हैं या जब हम जॉगिंग करते हैं तो हम पैर को नीचे नहीं मारेंगे बल्कि पैर को लिफ्ट अप ऊपर करना है. हाँ, आप देखिए ना, मतलब जब हम ये स्टेप लेते हैं आप नीचे कर रहे हो तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके, लेकिन आप उठा कर कीजिए, देखिए आपके बॉडी पर एक अलग आएगा. आप देखिए हम जॉगिंग कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं तो आप रखते हुए चलते हैं, आप रख नहीं रहे, आप उठाने में कीजिए,
तो दूसरा पैर अपने आप आपका रखा जाएगा, लेकिन जो उठाने पर जोर जाएगा आपके, जब आप पैर उठा रहे होंगे, पैर उठाएंगे तो दूसरा पैर अपने आप नीचे हो जाएगा, एक पैर जब आप उठा रहे होंगे तो वो जोर पड़ता है, और दोनों पैर आप रखते जाएंगे तो सिर्फ रखते जाएंगे, तो ये थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, इसके साथ साथ में हम अपनी दूसरी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। यस, करेक्ट, एक्सरसाइज जारी है। यस, और रिवर्स, गुड, वेरी नाइस, करेक्ट। देन ये सब चीजें हम बीच बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। ये हम इसे कहते हैं कि जैसे आप रूटीन में करते रहिए, रूटीन में जैसे आप भोजन करते हैं, तो आप भोजन करते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंजेस चाहिए होता है, किसी दिन आपको अचार का तड़का चाहिए होता है, किसी दिन पापड़ चाहिए होता है, किसी दिन आप मिर्च खा रहे होते हैं, किसी दिन आप सादी दाल खा रहे होते हैं, किसी दिन तड़का उसमें लगा दे रहे हैं, किसी दिन सादा चावल खा रहे हैं, किसी दिन आपने उसमें बघारा चावल खा लिया है, रोटी खाई है, तो किसी दिन पराठे खा लिए, तो उस तरह से एक्सरसाइज में भी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तड़के देते रहिए, ब्रीद आउट करेंगे। इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि ना, ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम 3 मिनट करेंगे या 5 मिनट करेंगे, तो हमें करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, रुक जाइए, ब्रीद आउट कर लिए, आराम से ब्रीद आउट करने के बाद में जस्ट रिलैक्स होके एंड देन अगेन स्टार्ट, क्योंकि कभी भी एक्सरसाइज अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना। अभी जैसे हमने शुरुआत करी तो हमें ये नहीं कि अब तो मुझे आधा घंटा लगातार करके, धीरे धीरे बढ़ाइए, या तो हम आधा घंटे ऑलरेडी हम कर रहे हैं तो हम आधा घंटा करें, अगर हमने नहीं कर रहे हैं तो हम शुरुआत करें 3 मिनट 5 मिनट, फिर अगले दिन हम शुरुआत करें उसको 6 के 7 मिनट कर दें, इस तरीके से करके ग्रेजुअली हम उसको बढ़ाएं, राइट। अभी हम अगला इसमें जो वेरिएशन करेंगे सलमान जी, वो थोड़ा सा उसको स्टेप नीज को हाई कर करेंगे। हिमांशु जी, कोई फोर्स वाली यहाँ पर बात नहीं है, जितना भी आप कर सके उतना आप, ये आप, काजल आप लेना, यस आप, हाय करेक्ट। ये हम टारगेट एक रखते हैं यहाँ पे टच करने करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, रिलैक्स रिलैक्स। हम इसको अलग अलग वेरिएशन में करते रहेंगे, ये भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इन्हें लग रहा है कि आज हमने गेस्ट बुलाया तो इनके ये भी आएंगे। वेल हिमांशु जी, अभी आज जो मैंने किया तो जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर लोग सलमान जी कॉन्शियस होते हैं जी कि मैंने किया ठीक किया नहीं किया जी, तो आपका भी कैसे ओपिनियन है दोनों का? आप बिल्कुल बिगिनर नहीं लग रहे यानी आप थोड़ा थोड़ा करते रहे हैं, आपने वॉक वगैरह किया है, हाँ ठीक है, बिल्कुल कविता जी की तरह नहीं कर पा रहे हैं ना मेरी तरह कर रहे हैं, आप मुझसे तो बेहतर ही कर रहे हैं, काजल भी अच्छा कर रही है। हिमांशु जी, हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि हम कैसा कर रहे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने करा, हमने शुरुआत कर दी, ये इम्पोर्टेंट है, फिर जब हम करेंगे तब हम उसको करेक्ट कर पाएंगे, अगर करेंगे नहीं तो करेक्ट कैसे कर पाएंगे, करेक्ट। तो अब मैंने बात कही ना, वो साइकोलॉजी की कही जी, ज़्यादातर हम झिझकते हैं और दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक्सरसाइज रुक जाती है, एक आलस मतलब लेजीनेस और दूसरा इग्नोरेंस, तो ये दो चीज़ें मैंने हाशिए पे रखिए, ये दोनों चीज़ें हाशिए पे रखिए, अब आज के बाद आप शुरू हो गए हैं, आपका दिल करे आप अपने गार्डन में, आप अपने बिल्डिंग में, आप अपनी सोसाइटी में, आप अपने दोस्तों के साथ शुरू करें, आपका दिल करे तो आप यहाँ आ जाएं हमारे साथ करें, स्टे फिट स्टे हैप्पी के, चूँकि आप पहले हमने कहा कि बार बार आप पहले उसके हमें फीडबैक देने वाले थे, तो ये शो बहुत कुछ आपके हवाले होगा, आपके तरीके से, और आप हमारे लिए, आप दर्शकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वो शख्स होंगे जो पहली बार जिसने हमें फीडबैक दिया है, तो आप जैसे कई दर्शक होंगे, चूँकि आप हमारे संपर्क में आ गए, अन्य लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो वो उनके लिए भी एक मसला होता है, कविता जी हमसे संपर्क करें तो कैसे करें, और बात करें तो क्या करें, पूछें तो क्या पूछें, उतना देखकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप हमारे स्टाफ के ज़रिए, हमारे जो टेलीफोन लाइन्स, हमारी हेल्पलाइन वगैरह चल रही हैं, उसके ज़रिए आप इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, ले सकते हैं, और हमारे साथ शामिल भी हो सकते हैं, ज़रूर हम अपने एक सेशन में आपको शामिल करने में हमें भी खुशी होगी, और आपके ज़रिए हम और दर्शकों तक अपनी बातें पहुँचा पाएंगे। कविता जी, और
काजल आप भी अपने डाउट्स बीच बीच में पूछेगा, जहाँ भी आपको डाउट लगे यू कैन आस्क योर डाउट्स राइट, आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ आप पूछ सकते हो। अभी हम एक्सरसाइज करे जा रहे हैं तो लाइक बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए या नहीं पीते चाहिए? ओके वेल पानी की जहाँ तक बात पूछी काजल ने कि पानी हमें बीच में जब हम एक्सरसाइज करते हैं नॉर्म जब कार्डियो करते हैं तो उसके बीच में हमें थोड़ा सा जब हम ब्रेक लेते हैं तो बीच में ब्रेक लेने के बाद में एक सिप ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ एक सिप हमें पानी पीना है और पानी भी ठंडा नहीं पीना है और एक एक सिप हिमांशु आई प्लीज एक 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 सिप पानी पी करके हमें कई लोग कहते पानी की बॉटल है तो एकदम से पानी खूब सारा पी लिया फ्रिज से निकल के नहीं बिल्कुल भी नहीं ठंडा बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना है रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए और वो भी एक सिप जस्ट वन सिप इनफैक्ट उसके बाद में यू कैन कंटिन्यू अगेन योर एक्सरसाइज राइट। और यहाँ पर आपने जब इन्होंने बात की थी हिमांशु जी ने सलमान जी कि एक तो इग्नोरेंस होता है कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारी जो आज की जनरेशन है वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है उन्हें लगता है कि उन्होंने एक वीडियो देख लिया या कहीं देख लिया तो वो अच्छा ही कर रहे हैं हालांकि होता ही है कि वो वीडियो देखने के बाद भी उन्हें करेक्ट फॉर्म पता नहीं चलता बट वो गलत ही करे जा रहे होते बट दे फील कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं इवन दैट्स वेरी रॉन्ग वो भी बिल्कुल ना करें आप एक बिल्कुल एक अच्छे तरीके से एक प्रॉपर एक गाइडेंस लें कि आप जो एक्सरसाइजेज आपको ठीक से करनी चाहिए वो आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अदरवाइज वो भी बेहद नुकसानदायक होता है तो नहीं करा वो एक वो भी नुकसानदायक है और आपने गलत तरीके से करा वो भी इट्स वेरी शुरुआत कीजिए और फिर सही फॉर्म में आने की कोशिश कीजिए। अच्छा एक चीज़ और कविता जी मैंने पाया है कि आप जब कर रहे होते हैं एक्सरसाइज ना बहुत बार आपको खुद लगने लगता है कि आप गलत कर रहे हैं क्योंकि आप जब कर रहे हैं मेहनत आप अपने बॉडी पार्ट्स पर जब मेहनत कर रहे होते हैं तो आपको लगता है इस पर जोर नहीं पड़ रहा है तो आप खुद थोड़ी सी चीज़ें फिर याद करते हैं और हमारे कार्यक्रम के जरिए जब आप इसे रिकलेक्ट करेंगे तो आपके जहन में आएगा कि इन चीज़ों को हमने बताया था एक छोटी छोटी जो अड़चने थी वो रोज़ तो मैं एक आम दर्शक की तरफ कविता जी से टिप्स ले लेता हूँ आज तो आप दोनों हैं कविता कुछ ये पूछ नहीं रही हैं काजल कुछ पूछ नहीं रही हैं क्या लाइक ठीक है अभी मैं मतलब वो धीरे धीरे बता रहा है तो समझ रही हूँ जी तो इसलिए पूछने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ रही है मतलब आपको पूरा समझ में आ रहा है तो चलिए एक अच्छी बात है कि आप समझ में आ रहा है आपको और एक चीज़ तो समझ में आई होगी कि करना ही है करना ही है ये चीज़ पहली बात तो समझ में आई तो जो पहली चीज़ इनका समझ टाइम निकालना है बस थोड़ा सा आपको आधे घंटे पहले जो भी शुरुआत आप दिन की करती हैं वो आधे घंटे पहले और अगर शाम को करना है आपको तो आपको वक्त निकालना होगा क्योंकि एकदम ये आधा घंटा बाद तो नहीं कह सकते आपका सोने से कितनी देर पहले तक किया जा सकता है कविता जी आज देखिए अब मुंबई जैसी सिटी में रहते हैं तो रूटीन हमारा लोग सोते कम से कम एक डेढ़ बजे के बाद ही सोते हैं तो मुश्किल है तो ऐसे भी लोग हैं जो अपनी एक्सरसाइज रात को 10 बजे भी करते हैं तो इतना देर भी ना करें इनफैक्ट कोशिश करें कि आप अराउंड बिकॉज मेरा खुद का भी ऐसा था कि कई बार मैंने खुद ने अपनी एक्सरसाइज 9:30-10 बजे करी है क्योंकि मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट है हमारा रूटीन इतना इस तरीके से प्रैक्टिकली अगर आप किसी को बोलो कि ऐसा मत करो आप 10 बजे या 11 बजे सो जाओ इट्स नॉट पॉसिबल मुंबई जैसी लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है तो अगर आप 9 बजे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद 10 बजे आप खाना खाइए इनफैक्ट और बाय द टाइम यू स्लीप आई थिंक 12:30-1 o'clock होता है तो यू कैन गो इजीली स्लीप बट या कोशिश करें से 2-3 घंटा पहले कम से कम बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा इनफैक्ट आप समझिए 4 घंटा आप 4 घंटा देखिए दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे क्यूरियोसिटी जहन में आई कि अगर आप एक्सरसाइज करने के 2 घंटा बाद सोना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करने के कुछ देर के बाद आधे घंटे के बाद तो आप कम से कम कुछ खाएंगे खाली पेट आपको रहना भी नहीं है यानी आधे पौने घंटे बाद अगर कुछ खाते हैं तो उसके कम से कम 2 घंटे बाद आपको सोना चाहिए तो आपका 3 घंटा मिनिमम इसमें चला जाता है तो बेहतर ये है कि आप सुबह का वक्त थोड़ा जल्दी सुबह की शुरुआत जल्दी करें कहते हैं कि सुबह अगर आपकी अच्छी हुई तो पूरा दिन अच्छा जाता है तो बेहतर है कि आप सुबह करें लेकिन ये कोई जोर नहीं है आप पर कि सुबह ही करें सुबह करने का एक हमने फॉर्मूला भी आपको टाइम मैनेजमेंट भी हो सकता है सुबह सिर्फ आपको जल्दी उठना होता है रात के लिए शाम के लिए आप चूंकि ऑफिस में हैं दफ्तर में हैं घर पर हैं कहीं भी हैं तो शाम का वक्त अगर बीच का आप निकाल पाए तब तो ठीक है लेकिन अगर रात के लिए आपने छोड़ दिया तो एक तो पूरे दिन की बॉडी थकी होती है आपके पूरे शरीर के एक एक अंग सिर्फ बिस्तर मांग रहा होता है नींद उससे आती है पूरी रूटीन हमारी शहरी रूटीन ही ऐसी हो गई है तो ये इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जब शुरुआत सुबह की आप जल्दी करें जी चलते चलते कुछ आप लोग कहना चाहेंगे क्योंकि ये एक ही सेशन में आपके सारी बातें खत्म नहीं होने वाली है गुजराती में एक चीज़ है जैसे आपने मुंबई की सिटी लाइफ के बारे में बताया तो गुजराती में मैं कहूँगा कि रात्रे वेला जे सुए
वेला उठे वीर, बड़ बुद्धि धन बहु वधे, सुख में रहे शरीर, क्या बात। इसमें पूरी मतलब हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में सब कुछ आ गया है। तो वो मैसेज के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगा सलमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैं आपसे भी करूंगा, आपका भी। कविता जी, आज हम एक्सरसाइज